देखिए, ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान सिखों के प्रति, पंजाब के किसान के प्रति आते रहते हैं, पंजाबियत के लिए जो नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके काम, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये रिश्ता किसी एक मेंबर पार्लियामेंट और खासकर कंगना रनौत जी के बयानों के नज़रिए से ना तो देखना चाहिए, ना तो उस रिश्ते को कंगना रनौत जी के बेतुके बयानों के तराजू में तोलना चाहिए। वो बोल रही है कि जो कृषि कानून है वो वापस लाए जाए, हालांकि वो ये भी बोल रही है कि कॉन्ट्रोवर्शियल बयान है मेरा, किसान चाहते हैं, किसान से ही मांग है कि वो कृषि कानून को वापस लाने की मांग करें। आप कैसे स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए, ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, एंड जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा। देखिए, एक पंजाबी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान सिखों के प्रति, पंजाब के किसान के प्रति आते रहते हैं, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अच्छे विकास वाले कार्य हैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके काम, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के साथ, पंजाब की किसानी के साथ, किसान के साथ और हर पंजाबी के साथ जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता है जो विकास की डोर के साथ जुड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का ये रिश्ता किसी एक मेंबर पार्लियामेंट और खासकर कंगना रनौत जी के बयानों के नज़रिए से ना तो देखना चाहिए, ना तो उस रिश्ते को कंगना रनौत जी के बेतुके बयानों के तराजू में तोलना चाहिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।